चले। आऊं खुदावन के घर चले, जहां बरकतें मिलती हैं, जहां बरकतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, जहां नेमतें मिलती हैं, जहां नेमतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, आऊं खुदावन के घर चले। खुदा, सारी धरती तेरे अगे शीश निवावेगी, तेरी सना गावेगी और तेरे नाम की वड्याई गावेगी। ऐ सर्वोच्च खुदा, बाप अते बेटा अते रूह पाक के नाम के उत्ते आमीन। साढ़े प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप का प्रेम अते रूह पाक की सांझ तुहाडे सारयां दे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे प्राप्त पैनो, अज दे सारे पाठ सानू खुदा दी आवाज़ नू सुनन लई अते उन्नू पछाणन दे लई सद्दा दिंदे हन। साढ़े जीवन दे रुझेव्यां दे विच खुदा सानू बहुत वारी बुलाउंदा है, पर बहुत ही वारी असी उस दी आवाज़ नू नहीं सुन सकते, उस दी आवाज़ नू नहीं समझ सकते। जिस तरह अज असी पहले पाठ विच सुनांगे कि खुदा बार बार सैमुअल नू बुलाउंदा है, पर सैमुअल नू कुछ समझ नहीं आउंदी। फिर एली उस नू दसदा है कि हुण जदों आवाज़ आएगी तू की उत्तर देना है। हो सकदा कई वारी सानू कोई समझाउण वाला ना मिले, तो इसलिए असी खुदा दी आवाज़ नू अपने रोज़ाना जीवन दे कम्मां विच, रोज़ाना जीवन दे रुझेव्यां विच,
परेशानियां विच, फिकरां विच, मुसीबतां विच खुदा दी आवाज़ नूं किवें पहचान सकते हैं ते किद्दां असी खुदा दी आवाज़ नूं सचमुच पहचान के उसकी पैरवी कर सकते हैं। आओ असी इस सवाल ते सोच करिए, जदों भी खुदा सानू बुलाउंदा है वो साड़ी भलाई दे लई, साड़ी चंगियाई दे लई, साड़ी रूहानी मजबूती दे लई अते उसके नाम की गवाही दे लई बुलाउंदा है। तो इसलिए जे असी अपनी रोजाना जीवन के कम्मां कारां विच भी खुदा दे प्यार की गवाही देने लई तैयार हाँ, खुदा दे प्यार लई खड़े होने लई तैयार हाँ, खुदा की आवाज़ नूं सुनते हुए उस दीआं सिक्ख्यावां नूं अपने जीवन विच लागू करन लई तैयार हाँ, तो समझ लो असीं खुदा की आवाज़ नूं पछाणदे हां। ते इक वार फिर इस पाकमास की कुरबानी दे विच अज दे वचन नूं सुन के खुदा की बुलाहट नूं, जो साडे हर एक दे लई है, जो साडे निजी तौर ते सिर्फ साडे लई है, उस नूं पछाणीए अते खुदा की सेवा अते उसनूं प्यार करन लई तैयार होईए। ते आओ असीं इक वारी फिर अपने गुनाहां ते माफ़ी मंगदे होए खुदा की आवाज़ नूं पछाणन दे लई, इस पवित्र रीति नूं चढ़ाउण दे लई अपनी तैयारी करिए। कुदरत वाले खुदा दी पैना प्रावां दे आगे मैं इक बाल करदा हाँ, मैं इक बाल करदा सोचन बोलन दे करन नाल बहुत गुनाह कीते ने, अपने दोष नाल अपने ही दोष नाल अपने बड़े दोष देना, मैं इक बाल करदा कुंवारी मरियम ते सारे फरिश्तियां संतां गे भैणा प्रावां दे आगे मैं हुण बेनती करदा हां, मैं इक बाल करदा कुदरत वाले खुदा दे पैना प्रावां दे आगे मैं इक बाल करदा हाँ, मैं इक बाल करदा हाँ। पूरी कुदरत वाला खुदा साड़ा बाप साढ़े उत्ते दया करे, साढ़े गुनाहां नूं माफ़ करके सानू सुद्धी वी जीवन तक
पहुंचावे। आमीन। ते नेकनियत लोग
विच शांति स्वर्ग दे विच बटे आई असी प्रार्थना करिए। हे पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, तू स्वर्ग ते धरती उत्ते राज करदा है, मेहर नाल साड़ी दुआ नू सुन लै अते साडे समय नू अपनी शांति विच ठहरा। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राहीं जो तेरे नाल रूप आपती एकता विच एक खुदा जीउंदा ते राज करदा है सदा तुम सदा तीकर आमीन। खुदा दे दिल ते छुपाने ते ताकि योग रीति नाल तो सुस्ती पानी सुन पापे ते पाते ना त्या। पाठ पहला, खुदा दुनिया विच अपना कार्य पूरा करन दे लई कुछ लोकां नूं चाहुंदा है। इत्थे शमूएल दे बुलाए जाण दा बयान है। ऐसे लोकां नूं परमेश्वर दी बाणी उत्ते गौर करना अते अपने भैण भरावां दी सेवा करनी चाहीदी है। शमूएल नबी दा पहला ग्रंथ उसका 3:10-19 आज तक। उस वेले शमूएल मंदिर विच खुदा दे नेम दे संदूक वाले कमरे विच सुत्ता पिया सी। उत्थे दीवा अजे जल रहा सी जदों प्रभु ने शमूएल नूं शमूएल शमूएल कह के सद्या। शमूएल तुरंत एलिया कोल गया अते बोलिया, तुसी मैनूं सद्या है, मैं हाजिर हाँ। एलिया ने उत्तर दिता, नहीं मेरे पुत्र जा के सौं जा। सो शमूएल जा के सौं गया। तद प्रभु ने फिर शमूएल नूं सद्या। शमूएल फिर दौड़ के एलिया कोल गया अते बोलिया, तुसी मैनू सद्या है, मैं हाजिर हाँ। एलिया ने उत्तर दिता, नहीं मेरे पुत्र, मैं तेनू नहीं सद्या, तू जा के सौ जा। शमूएल अजे तक प्रभु नू नहीं जानता सी क्योंकि उस उत्ते खुदा दा शब्द प्रगट नहीं होया सी। खुदा ने तीजी बार शमूएल नू सद्या अते ओ फिर एलिया कोल जा के बोलिया, तुसी मैनू सद्या है, मैं हाजिर हाँ। इस बार एली समझ गया कि ये प्रभु है जो शमूएल नू सद रहा है। इसलिए उसने शमूएल नू कहा, वापस बिस्तरे ते जा, जेकर वो इस बार तेनू सदे तां उत्तर देना। प्रभु जी कह, तेरा दास सुन रहा है। सो शमूएल वापस अपने बिस्तरे ते चला गया। सो प्रभु आ के उत्थे खलो अते पहले दी तरह शमूएल नू सद्या, शमूएल शमूएल। शमूएल ने उत्तर दिता, कह तेरा दास सुन रहा है। प्रभु दी पाक बाणी, खुदा दा शुक्र होवे। मैं सबर दे नाल आस रख के खुदा दी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के खुदा दी करदा सा इंतजारी। कदियो उसने मेरे तरस खा के सुनी मेरी सहरी आहो दहरी। दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सहरी आवो यारी। ओ खतरे दे टोए देखो है मैनू कट के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोए देखो बयां चो है मैनू कट
बख्शी गदमानो उस तो बाहरी चट्टानो तेरा के पैरी मेरे ते बख्शी गदमानो उस तो बाहरी मैं सबर देना ले आस रख के खुदा दी करता साइन ते गहरी उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आव यारी सुनी मेरी सारी आव यारी सुनी मेरी सारी आव यारी। पाठ दूसरा क्रंथियां दे नाम संत पौलुस का पत्र उसका 6:13-15 ऐत अते 17-20 ऐत तक। जेकर किसी औरत का पति है जो ईमान नहीं रखता अते वह अपनी पत्नी नाल रहन लई रजामंद है तां वह औरत उसनू तलाक ना देवे क्योंकि ईमान ना रखन वाला पति अपनी पत्नी दे वसीले पवित्र किया जाता है अते ईमान ना रखन वाली पत्नी अपने पति दे वसीले पवित्र की जाती है नहीं तां तुहाडे बच्चे अशुद्ध हुंदे पर हकीकत यह है कि वह पवित्र हन पर जेकर ईमान नाल रखन वाला जीवन साथी वक्ख हुंदा है तां उसनू वक्ख होण दिओ अजेही हालात विच कोई भरा जां भैण उसदे नाल रहन लई मजबूर नहीं है क्योंकि खुदा ने सानू शांति विच रहन लई सद्या है जो भी है तुहाडे विचों हर व्यक्ति इस तरह जीवन बिताए जिवें प्रभु ने निश्चित कीता है अते जिस दे लई खुदा ने तुहानू बुलाया है। सारियां कलीसियावां दे लई एह मेरा इको नियम है जेकर सदे जान दे समय किसे दा खतना हो चुकिया है तां ओह खतने दे निशान नू मिटाउण दी कोशिश ना करे जेकर सदे जाण दे समय किसे दा खतना नहीं होया है तां ओह अपना खतना ना करावे क्योंकि खतना कीता होना जां खतना ना होना कुछ नहीं है पर खुदा दियां आग्ञावां दी पालना करना सब कुछ है। तुहाडे विचों हर कोई जिस हालात विच ओह बुलाया गया सी उसे हालात विच रहे यह प्रभु दी पाक बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। Hallelujah, 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 mainu jo changa lagge mainu oh na devi mainu jo changa lagge mainu oh na devi mainu jo changa lagge bas oh hi devi तेनु जो चंगा लगे बसे ओ ही देवी तेरा पाक कलाम मन पौंदा रवे 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 यीशु मैनू तू चाहिदा ओ यीशु मैनू सब
कुछ पावे मैं तो जानदा रवे यसु मैनू तू चाहिदा प्रभु तुहाड़े नाल होवे अते तुहाड़ी रूह नाल भी होवे पाठ पवित्र अंचल दा संत यूहन्ना दे अनुसार तेरी वड्याई होवे ऐ प्रभु दूजे दिन फिर यूहन्ना अपने दो चेलियां दे नाल खलोता होया सी यूहन्ना ने यीशु नूं तुरे जांदिआं वेख्या ते कहा देखो खुदा दा मेमना दोहां चेलियां ने यूहन्ना नूं इह कहिंदे सुनिया ते यीशु दे पिछे तुर पे यीशु ने पिछे मुड़ के उन्हां दोहां नूं कहा तुसीं किस नूं लभ रहे हो उन्होंने उत्तर दिता रब्बी अर्थात गुरु जी तुसीं कित्थे रहिंदे हो यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दिता आओ अते वेखो सो गए ते यीशु दे रहन दी थां देखी ते दिन दा बाकी हिस्सा यीशु दे नाल ही रहे उन्हां दोहां विच्चों जिहड़े यूहन्ना दी गल सुन के यीशु दे पिछे तुर पए सन एक शमौन पत्रस दा भरा अंद्रयास सी अंद्रयास सारिआं तों पहलां अपने भरा शमौन नूं मिलिआ ते उस नूं कहा असीं मसीह नूं लभ लिआ है अर्थात खुदा दे अभिषेक कीते होए नूं उन्हें शमौन नूं बड़े ध्यान नाल देखिआ ते कहा तू यूहन्ना दा पुत्र है तू कैफा अर्थात पत्रस कहवाएगा हे प्रभु दी पवित्र अंजील है तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे हो अज असीं देखदे हां कि यीशु मसीह नूं एक खुदा दे मेमने वजों यूहन्ना बपतिस्मा देन वाला उस वाल इशारा करता है देखो खुदा दा मेमना जो संसार दे पापां नूं चुक लैंदा है यही शब्द असी हर पाकमास दे वेले वरतदे हां वेखो खुदा दा लेला जिहड़ा दुनिया दे गुनाहां नूं चुक लै जांदा है यीशु मसीह सचमुच खुदा दा लीला है वो मेमना है जो बलि चढ़ाया गया साढ़े गुनाहां दे लई वो बलि है जो सानू सारे गुनाहां तो मुक्त कर दी है यूहन्ना बपतिस्मा देन वाला जो प्रभु दा राह त्यार करन लई आया सी उसने प्रभु दा राह त्यार कीता ते अज प्रभु नूं अपने चेलियां दे सामने पेश करदा है ते असीं सारे जानदे हां कि यीशु मसीह सचमुच खुदा दा लीला है जे असीं पुराने समयां विच पापां दी माफ़ी दी गल करिए तां बड़े कई ढंगां नाल साढ़े पाप माफ़ कीते जांदे सन कुफारे दे नाल पछतावे दे नाल इतराफ दे नाल जां फिर कोई जानवर लै के उसकी बलि चढ़ाई जाती सी गुनाहां दी माफ़ी दे लई असीं देखिआ पुराने नेम दे विच बलियां चढ़दियां सी अब्राहम कोलों खुदा ने उसके बेटे की बलि मंगी जिन्ने भी साढ़े वड्डे पुरखे साढ़े तो पहला असीं देखते हाँ अब्राहम तो लैके सारे हर वारी कुरबानी चढ़ाते सी कोई धनवाद की कुरबानी चढ़ाता सी कोई पापा की माफ़ी की कुरबानी चढ़ाता सी ते कई बारी की हुंदा सी कि एक जानवर नू लैके जिवें बकरी नू लैके उहदे उत्ते कलमा पढ़िया जाता सी पापा की माफ़ी का ते उन्हूं जंगल विच छड़ दिता जाता सी कि जिस तरह उस बकरी नू उस जानवर नू शेर जां कोई
ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਈਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਮਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੌਮ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਕਿਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਸਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਰਕਮ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਫਾ, ਪਤਰਸ, ਪੱਥਰ, ਚਟਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਉਸਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਅੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਯਾਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਈਏ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨੰਸ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਧਰਮ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
रहन नाल ही वो पवित्र की जाएगी। तो साड़ा विश्वास है जिस खून के नाल जिस कुरबानी के नाल असी बचाए गए हैं उस प्रभु विचला विश्वास साढ़े एक दूजे को पवित्र करता है। तो सब तो वड्डी गल फिर ये है कि असी प्रभु दियां आज्ञावां दा पालन करिए जो जरूरी गल है। बाकी साड़ा विश्वास जड़ा है वो साड़े परिवारिक रिश्तिया नू पवित्र करता है। साड़ा विश्वास सानू पवित्र करता है। साड़ा विश्वास साड़े नालदियां नू पवित्र करता है। तो इसलिए आओ असी अपनी बुलाहट नू याद रखिए अते उस बुलाहट दी आवाज़ जो सानू प्रभु दिंदा है उसनों सुनने की कोशिश करिए। अपने कम्मां विच अपनी सारिया लोड़ां विच अपन मुसीबतों के अपने रुझेवें दे विच क्योंकि प्रभु साढ़े कोलों कम लेना चाहता है। वो साढ़े द्वारा अपने नाँ की वड्याई करना चाहता है। वो साढ़े द्वारा अपन बरकतं वंडनिया चाहता है। वो साढ़े द्वारा अपने प्यार की गवाही चाहता है। वो साढ़े द्वारा अपनी कलीसिया की सेवा चाहता है। तो आओ असी एली वांग अते अंद्रयास वांग खुदा की आवाज़ को दूसरों तक लेके जाइए। आओ असी सारे खड़े हो जाइए ते अपने ईमान का ऐलान करिए। रसूलों का कलमा मैं खुदा उते ईमान रखता हाँ जेड़ा बाप पूरी कुदरत वाला आसमान ते जमीन का पैदा करने वाला है। मैं यीशु मसीह उते ईमान रखता हाँ जेड़ा उसका इकलौता बेटा ते साडा खुदावंद है और पाक दी कुदरत नाल कुंवारी मरियम दे घर विच पिया दूसरों जमया उसने पैंतीस पिलातुस दे हत्थ विच दुख उठाया सलीब उते चाढ़िया गया मर गया ते दबिया गया परचक विच जा उतरिया तीसरे दिहाड़े मुर्दियां विचों जी उठिया आसमान उते चढ़ गया खुदा बाप पूरी कुदरत वाले दे सज्जे हत्थ जा बैठा जिथों जिउंदियां ते मुर्दियां दा इंसाफ करन लई फिर आवेगा। मैं मां रखदा हां रूपाक उते इक पाक कैथोलिक कलीसिया पाक लोकां दी शराकत गुनाहां दी माफी जिस्म दा जी उठना हमेशा दी जिंदगी उते आमीन। प्यारे प्राउत पैनो खुदा बाप ने सानू इत्थे इकट्ठियां कीता है ताकि अस उसकी वडियाई अते उस्तत करिए अते अपनी लोड़ां विच उसकी मदद मंगिए। साडा अनुवचन है ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। असी अपने संत पापा पोप फ्रांसिस लई प्रार्थना करिए कि ओह संसार भर दे कैथलिकां नूं ईमान विच वदन दी सिख्या दिंदे रहन अनवचन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। ऐ प्यारे प्रभु असी खास करके प्रार्थना करदे हां मेरे सामर्थी खुदा प्रभु जी जिहड़े भी तुहाडे बच्चे सेवकाई करदे ने मेरे सामर्थी खुदा खास करके प्रार्थना करदे हां फादर साहिबान सिस्टर साहिबान मुनाद भरावां दे लई मेरे सामर्थी खुदा इन्हां नूं अपने बल अते शक्ति दे मेरे प्यारे प्रभु तां कि ये तुहाडे पाक कलाम नूं दुनिया दे कोने कोने तक फैला सकन अनवचन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। ऐ प्रभु असीं दुनिया भर दे दुखियां बीमारां लई प्रार्थना करदे हाँ जिन्हां नूं सचमुच लोड है शिफा दी चंगियाई दी तंदुरुस्ती दी तेरे मिठे नाम दे विच वड्डी कुवत है मेरे परमेश्वर तेरा नाम कुवत वाला है तेरा नाम चंगियां करन वाला है। यीशु नाम हर एक दी जिंदगी विच वड्डा कार्य करें और उन्हां नूं अपनी गवाही दे लई इस्तेमाल करें अनुवचन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। ऐ प्रभु मैं धन्यवाद करदा मेरे परमेश्वर कि तू सानू अपनी महिमा दे लई चुनिया और होर पिता परमेश्वर दुनिया भर दे विच तुसी अपने ऐसे आराधकन खुदावन तू चुनना चाहुंदा है मेरे परमेश्वर जिहड़े रूह और सच्चाई दे नाल तेरी आराधना करदे ने। तू अपने परमेश्वर लोकां दे विचों बकरियां विचों खुदावन भेटां नूं वखरा करदा है मेरे परमेश्वर खुदा हर एक नूं खुदावन अपनी होंद विच लै लै और जिहड़े लोग खुदावन तेरी उडीक विच ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਖਾਲ ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ
इन्हां सारे लोकां उत्ते होवे जो अपने विश्वास के द्वारा एक दूजे की मदद करते हैं, जो मसीह की कुरबानी के द्वारा बचाए हुए हैं कि वह हमेशा अपनी शख्सियत खुदा की कौम मानते हुए अपने आप को अंजीली कदर कीमत के अनुसार टालन अनुवचन ऐ प्रभु साड़ी दुआ सुन और सुन मां मरियम की सिफारिश द्वारा इन प्रार्थनावानु नेक इरादियानु खुदा दी हजूरी विच पेश करिए ते आखिए सलामे मरियम फजल नाल परी हुई खुदावन तेरे नाल है तू औरतां विचों तन है नाले तन है तेरी को खुदा फल यीशु आय हजरत मरियम खुदा दी मां असा गुनागार लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले आमीन हे प्रभु खुदा जो भी प्रार्थनावां ते नजराने थोड़े सामने पेश चढ़ा रहे हैं इन्हां नूं कबूल करे ते सानू ते सारयां नूं बरकत दे जिन्हां नूं असीं याद कीता है तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राहीं आमीन। प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा साडा बाप मेरी ते तुहाडी इस कुरबानी नूं प्रवान करे प्रभु इस कुरबानी नूं तुहाडे हाथां दे विचों अपने नां दी इज्जत ते वडियाई लई अते साडे अते सारी पाक कलीसिया दे भले लई कबूल करे है प्रभु बख्श दे कि असीं लायकी नाल इन्हां भेदां विच हिस्सा लईए क्यों जो जद कदे वी इस कुरबानी दी यादगारी मनाई जांदी है तद साड़ी निजात दा काम मुकम्मल कीता जांदा है साडे प्रभु यीशु मसीह दे राहीं आमीन प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे असीं अपने दिल प्रभु वल लगाओ असीं अपना दिल प्रभु वल लगाउंदे हां असीं अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए ए सही अते योग्य है हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले अते अकाल खुदा ए सचमुच सही अते योग है मुक्ति पाउण दा राह है कि असी हर वेले ते हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राहीं तेरा धन्नवाद करिए यीशु मसीह दे जन्म दे राहीं असी मुड़ जन्मे हाँ उस ते दुख तसीहां द्वारा असी पापां तो आज़ाद हो गए हाँ उस ते मुरदियां विचों जीठण दे राहीं असी सदीवी जीवन लई जीवाए जांदे हाँ उस ते असमान उत्ते चढ़ के तेरे सज्जे हत्थ बैठण नाल असी तेरी स्वर्गी बादशाहत विच दाखल हुंदे हाँ
इस लिए असीं अपनी खुशी विच फरिश्तियां दे संगीती जत्थियां नाल मिल के तेरी महिमा दे गीत गाउंदे होए ए ऐलान करदे हां। पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा, स्वर्ग ते धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हन। उचाइयां विच होसना, मुबारक है ओ जो प्रभु दे नाम ते आउंदा है। उचाइयां विच होसना। हे प्रभु, तू सचमुच पाक है, तू सब पवित्रता दा सोमा है। इसलिए असीं बेनती करदे कि जिस तरह त्रेल पैंदी है उस तरह तो अपने रूप आक नूं भेज के इन्हां नजराणां नूं पवित्र कर, तां जो साडे लई साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जा। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप नूं दुख तसीहां लई सौंपदे होए रोटी लई धन्नवाद करदिआं रोटी तोड़ी अते अपने चेलिआं नूं दित्ती, कहिंदे होए तुसीं सारे इह लओ ते इस विच्चों खाओ, क्यों जो इह मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुर्बान किया जाएगा। इस तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद करदे प्याला अपने चेलियां नूं दिता, ही कहिंदे होए तुसीं सारे इह लओ ते इस विच्चों पीओ, क्यों जो इह मेरे लहू दा प्याला है नवें तो सदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे ते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच एक रह कर ईमान दा पेट। ऐ प्रभु, असीं तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जी उठण दी मुनादी करदे हां जद तक तू फिर आवेगा। हे प्रभु, असीं यीशु मसीह दी मौत अते उसदे जी उठण दी यादगारी नूं मनाउंदे होए तेनू जीवन दी रोटी अते मुक्ति दा प्याला चढ़ाउंदे हां। असीं तेरा धन्नवाद करदे हां क्यों जो तू सानूं इस योग ठहराया कि असीं तेरी हजूरी विच दाखल हो के तेरी सेवा करिए। असीं हलीमी नाल दुआ करदे हां कि मसीह दे बदन अते लहू विच हिस्सा लैण दे द्वारा असीं रूह पाक दे राहीं एकता विच बजे रहिए। हे प्रभु, सारी धरती उत्ते फैली हुई अपनी यात्री कलीसिया नूं अते उस नूं साडे संत पाप फ्रांसिस, साडे बिशप अग्नेलो अते सारे परोहितां नाल प्यार दी संपूर्णता विच कायम रख। साडे भैन भरावां नूं याद करे जिहड़े जिहड़े जी उठण दी उम्मीद नाल सौंगे हन अते उहनां सारिआं नूं जो तेरे रहम विच मर गए हन, इन्हां दा तू अपनी हजूरी दे चानण विच स्वागत कर। ऐ प्रभु, असीं बेनती करदे कि साडे सारिआं उत्ते दया कर तां जो तन कुआरी मरियम खुदा दी माँ दे नाल, उस कुआरी दे मुबारक वर संत यूसुफ दे नाल, तन रसूलां ते सारे संतां नाल जिन्हां ने सारे युगां विच तैनूं खुश कीता है, असीं इस दीवी जीवन दे वारस होण दे हकदार बन जावांगे अते तेरे बेटे यीशु मसीह दे राहीं तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उस ते राहीं अते उस ते नाल अते उस ते विच ऐ खुदा पूरी कुदरत वाले बाप, रूपाक दी एकता विच सब जलाल ते वड्याई तेरी ही है सदा तों सदा तीकर। आमीन। आओ असीं सारे रल के अपने ईमान दी गवाही देण लई खुदा कोलों मदद मंगीए, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाया। ऐ साडे बाप जिहड़ा तू आसमान उत्ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान उत्ते पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे, साडे रोज रोटी ऐ सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असी अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां, सानू अजमाइश विच ना पा सगो बुराई तों बचा। ऐ प्रभु, असी प्रार्थना करदे हां सब बुराईआं तों सानू बचा, अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाह तों मुक्त रहिए अते हर मुसीबत तों सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखदे होए असीं यीशु मसीह साडे मुक्तिदाता दे आउण दी उड़ीक करदे हां, क्यों जो राज कुदरत अते जलाल युगो युग तेरा ही है। है प्रभु यीशु मसीह, तुसीं अपने रसूलां नूं आख्या मैं तुहानूं शांति दिंदा हाँ, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हाँ। तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते उसनू अपनी मर्जी मुताबक शांति ते एकता प्रदान कर। तू जो जीवंदा ते राज करदा है
सदा तू सदा तिकर आमेन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। आओ सिया पवित्र शांति दा निशान देई। ऐ लीले को दा दे तू जड़ा दुनिया दे गुना चुक लेंदा है साडे उते दया कर। ऐ लीले को दा दे तू जड़ा दुनिया दे गुना चुक लेंदा है साडे उते दया कर। ऐ लीले को दा दे तू जड़ा दुनिया दे गुना चुक लेंदा है सानू शांति दे। वेखो खुदा दा लेला इनू वेखो जड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है। तन ओ हन जिस लेले दे भोजन लई सदे गए। ऐ प्रभु मैं सियोग ता नहीं हां कि तू मेरी छत ले आवे पर एक शब्द आक ता मेरी रूह चंगी हो जावेगी। असी ओ प्यार जानिया है अते उस प्यार नू मनदे हां जो खुदा साडे लई रखदा है। असी प्रार्थना करिए। हे प्रभु अपने प्यार दी रूह साडे उते डोल दे अते जिन्हां नू तू इको ही जीवन दी रोटी नाल रजाया है उन्हां नू अपनी मेहर नाल इको मन अते इको ही दिल बना दे। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप बेटा ते रूह पाक तुहानू आशीर्वाद देवे आमीन। कुर्बानी चढ़ाई गई प्रभु दी शांति विच चाहिए। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर याद कर। आए नहायत मेहरबान कुवारी मरियम पई कदे नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदे आ तेरी मदद चाहुंदे आ तेरी सिफारिश मंगदे आ तेथों खाली गया होवे। ऐ कुवारी कुवारियां दी अते मेरी मां इस तसल्ली नाल मैं तेरे को नस के आंदा हां अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाह ही रोंदा हां। ऐ दीतारी होए कलाम दी मां तू मेरी अर्जा नो हकी ना जान सगो मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर आमीन। शांति दी रानी मुबारक मां मरियम साडे लई दुआ कर। चल देवी ने कम रुक देवी ने कम चल देवी ने कम रुक देवी ने दुख ओ देवी ने।
मुक देवी ने दुखे देवी ने दुख मुक देवी ने पर असली ने जावान ते ना घबरावेगा धन्यवाद करना छड़िया ना कहे ओनु याद करना पैर पैर उते धन्यवाद करना हाँ छड़िया ना कर ओनु याद करना पैर पैर उते धन्यवाद करना छड़िया ना कहे ओनु याद करना पैर पैर धन्यवाद करें ओढ़ा तो बाते ओ परवामी बरसावेगा ओढ़ा तो बाते ओ परवामी बरसावेगा जीड़ा इत्थों तक लेके आया जावेगा